Hello everyone, Komal Bansal this side. In this tutorial, we will learn about secondary memory. Now see, last few lectures में हमने registers, cache memory and main memory हम cover कर चुके हैं. We are left with only secondary memory, right? So हमने memory hierarchy में भी देखा था. बाकी जितनी भी memories हैं, like primary memory, cache और registers, वो सब आपकी temporary memories हैं. उसके अंदर आप जो डेटा डालोगे वो वोलेटाइल डेटा है. दैट मीन्स जैसे ही लाइट गई आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, राइट? सो हमें एक ऐसे मेमोरी की जरूरत है जो नॉन वोलेटाइल है, जिसमें आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट? वहां हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी. सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. जितनी भी इसकी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से मेमोरीज हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, वो सब हम करेंगे. सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कौन कौन सी है. नंबर वन इज इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जब हमने मेमोरी हायरार्की की थी तब भी हमने देखा था कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी सबसे बड़ी मेमोरी होती है. उसके पहले थी हमारी मेन मेमोरी और योर प्राइमरी मेमोरी, देन योर कैश, एंड देन जो भी आपका प्रोसेसर है उसमें आपके रजिस्टर्स हैं, राइट? So, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं और परमानेंटली स्टोर करते हैं. इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इलेक्ट्रिसिटी गई है तो आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा. नो, एक बार आपने जो इसमें डेटा डाल दिया वो परमानेंटली रहेगा अनटिल और अनलेस आप खुद से उसको डिलीट करते हो. लार्ज कैपेसिटी होती है. अभी हमने किया लार्ज अमाउंट डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. इसमें हम 13 bytes में डेटा स्टोर कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी कितना अमाउंट स्टोर करती है, आपने जो मार्केट से बाय किया है तो कितने अमाउंट की है. एंड अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी. चीपर का मतलब है पर बिट हमें कितना प्राइस देना पड़ रहा है, एक बिट के लिए या एक यूनिट डेटा स्टोर करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ रहा है. सो ये सब हम मेमोरी हायरार्की में भी कर चुके हैं. ये थे बेसिक फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं. सो योर सेकेंडरी मेमोरी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस मेथड, कि उसमें जो मेमोरी है उसमें हम डेटा को कैसे एक्सेस कर रहे हैं. देर आर टू टाइप्स, वन इज सिक्वेंशियल, अनदर वन इज डायरेक्ट. सिक्वेंशियल का मतलब है से दिस इज योर मेमोरी, ना सिक्वेंशियल का मतलब इसमें जो भी डेटा है आप सबसे पहले फर्स्ट सेल का एक्सेस करोगे, फिर सेकंड सेल के पास जाओगे, देन थर्ड के पास, देन फोर्थ के पास, ऐसे सोन आप सीक्वेंस में जाओगे. ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके डायरेक्टली किसी भी सेल के पास जा सकते हो. नो, नेम से पता चल रहा है सिक्वेंशियल. इन डायरेक्ट एक्सेस, सपोज आप फर्स्ट सेल का डेटा एक्सेस कर रहे हो, देन उसके बाद डायरेक्टली आपने फिफ्थ या सिक्स सेल पे पहुंच गए, आप जंप करके दूसरी सेल पे जा सकते हो डायरेक्टली. बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल, अगर फर्स्ट के बाद आपको फिफ्थ सेल पे जाना है तो आपको पहले सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबको कवर करना पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस. सो एक्सेस मेथड के बेस पे हम सेकेंडरी मेमोरी को क्लासीफाई करते हैं. कैसे करेंगे? फर्स्ट इज योर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस. सिक्वेंशियल में हम एक ही मेमोरी को डालते हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक टेप. नेक्स्ट और डायरेक्ट, डायरेक्ट में आपके पास आता है मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क मतलब जहां हम मैग्नेट की कोटिंग करते हैं. इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क वी यूज लेजर बीम. ये भी हम जब आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे. नाउ मैग्नेटिक डिस्क को आप फर्दर क्लासीफाई करते हो. फर्दर उसमें टाइप्स हैं, वन इज योर फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड हार्ड डिस्क. इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क हम तीन चीजें करेंगे, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क. इसमें से बहुत सारी टर्म है जो आपने सुनी हुई होगी, आप यूज करते हो अपने डे टू डे लाइफ में. ब्रीफ में हम इन सबको करेंगे. सो सबसे पहले हम करेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और उसके अंदर हम कवर करेंगे मैग्नेटिक टेप. दैट मीन्स वन बाय वन आप सारी सेल को विजिट करते हो, आप डायरेक्टली किसी भी सेल पे जंप नहीं कर सकते. ओके, सो फर्स्ट इज योर मैग्नेटिक टेप. हियर यू कैन सी एक पिक्चर है
कैसेट्स आपने बचपन में देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने यूज की होगी, सॉन्ग्स जिसमें आप चलाते थे, राइट? जो ये कैसेट्स आती थी वो आपकी मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल है। या फिर आपने मूवीज के रोल देखे होंगे, कभी आप मूवी देखने जाओगे सिनेमा हॉल में, पीछे आपका एक मूवी रोल चलता है जिसके ऊपर पूरी पिक्चराइजेशन होता है, जिसके अंदर पूरी मूवी आपकी स्टोर होती है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक टेप के। इनफैक्ट अगर आपने कभी ध्यान दिया हो बचपन में जब आप कैसेट्स चलाते थे सॉन्ग्स की, इसके लिए अलग से प्लेयर भी आता था, तो इसमें आप किसी भी गाने को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी और गाने पे जंप कर सकते। नो, एक गाने के बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, राइट? बिकॉज दीज आर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो इसमें आप स्किप नहीं कर सकते। सो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक टेप के, डे टू डे लाइफ में हमने देखा है। नाउ मैग्नेटिक टेप क्या होती है? इट इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ओके, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इट इज वेरी पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर लार्ज फाइल्स लाइक मेन मेमोरी या कैश मेमोरी। हमने किया था उसमें लिमिटेड साइज रखते हैं, छोटा साइज रखते हैं, बट सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमेशा बड़ा होता है। उसके अंदर आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैग्नेटिक टेप है वो बनी होती है प्लास्टिक रिबन की। नाउ अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखो, आपने अपने बचपन में भी देखा होगा, हम छोटे होते थे उसमें जो रिबन होता था वो निकाल देते थे कैसेट का, राइट? सो इट रिबन जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। सो मैग्नेटिक टेप इज मेड ऑफ प्लास्टिक रिबन। ओके, ये पिक्चर में भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको याद भी रहेगा। ओनली वन साइड ऑफ रिबन इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। एक ही साइड पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। एंड इट इज कोटेड विद मैग्नेटाइजेबल मटेरियल। बिकॉज इसका नेम मैग्नेटिक टेप है, इसलिए इसमें हम मैग्नेटाइजेबल मटेरियल यूज करते हैं कोटिंग के लिए, और उसी के ऊपर हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज इसमें आप डेटा को बार बार रीड कर सकते हो, लाइक कैसेट या आपकी जो भी मूवी रोल है, आप उसमें से बार बार जो भी आपने सॉन्ग्स स्टोर किए हुए या कोई भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है उसको आप बार बार रीड कर सकते हो। मोर ओवर आप उसको राइट भी कर सकते हो। राइट का मतलब है डेटा को अपडेट करना। पहले जो डेटा था उसको हमने इरेज करके आप उसमें नया डेटा स्टोर भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज रीड एंड राइट मेमोरी। यू कैन रीड एज वेल एज राइट। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर इनएक्सपेंसिव, डेट मीन्स बहुत सस्ती मिलती है एज कंपेयर टू अदर मेमोरी डिवाइसेस। नाउ जो आपका प्लास्टिक रिबन है इसकी विथ कितनी होती है, इसकी चौड़ाई होती है 4 mm टू 1 inch, वो वेरी करती है अलग अलग डिवाइसेस में। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 100 MB से 200 GB। नाउ 200 GB बहुत बड़ी अमाउंट है डेटा स्टोर करने के लिए। सो रिबन की विथ पे डिपेंड करता है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप। फर्स्ट इज, अभी हमने किया, दीज आर इनएक्सपेंसिव, महंगी नहीं होती है ये। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जनरली मैग्नेटिक टेप में हम बैकअप डेटा रखते हैं, कैसा डेटा जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है आप उसमें सारा डाल के रख सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे मेन फ्रेम का डेटा भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का डेटा भी हम मैग्नेटिक टेप पे स्टोर करके रखते हैं। लास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि 200 GB डेटा हम एक सिंगल मैग्नेटिक टेप में डाल सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कॉपिंग फ्रॉम डिस्क फाइल, कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हैं हम डेटा को, बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब है कुछ डेटा डाला हुआ है वो आप बार बार रीड कर सकते हो। मोर ओवर आप उसमें न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो बहुत इजिली। आपने कैसेट्स का एग्जाम्पल भी देखा है। एंड लास्ट वन इज इट इज कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू स्टोर ऑन रैक्स, आप आराम से उनको कहीं भी स्टोर कर सकते हो। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस।
मैग्नेटिक टेप यूज करने के नुकसान हमें क्या क्या है. फर्स्ट इज सिक्वेंशियल एक्सेस. स्टार्टिंग में हमने क्या था, दिस इज सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस. सो हम इसमें डायरेक्टली किसी भी लोकेशन पर नहीं जा सकते, रेंडमली डायरेक्टली कोई भी सेल को या कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते. पूरे सीक्वेंस में स्टार्टिंग से स्टार्ट करके हमें एक्सेस करना पड़ता है. मोर ओवर जब आप इसको स्टोर करोगे, उसको स्टोर करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि वहां पे डस्ट ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो. सो जब आप स्टोर करोगे उसमें आपको केयर करनी पड़ती है कि आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अदरवाइज आपकी टेप खराब हो जाएगी और आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सी, हमने क्या था, इसमें आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट वो इतना ईजी नहीं है क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस है हमारा. सो इट इज डिफिकल्ट टू अपडेट. अपडेट कर सकते हो बट इट इज डिफिकल्ट. एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज स्लो. ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा जब हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे. ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट डेटा ट्रांसफर रेट इज स्लो इन केस ऑफ मैग्नेटिक टेप. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप. ओके, नाउ हमने सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कर लिया, उसमें सिर्फ मैग्नेटिक टेप आती है. योर नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, जिसके अंदर हम दो टाइप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क. सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क. नाउ मैग्नेटिक डिस्क को आप कैसे समझ सकते हो, ग्रामोफोन सबने देखा हुआ है मूवीज में या सीरियल में सबने देखा होगा. नाउ इस ग्रामोफोन में जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है, जो डिस्क बनी हुई है सर्कुलर, इसी प्रिंसिपल पर बेस हमारे कंप्यूटर की मैग्नेटिक डिस्क होती है. एक मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है इस डिस्क के ऊपर जिसपे डेटा स्टोर करते हैं हम. सो सिमिलर प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारे कंप्यूटर की मैग्नेटिक डिस्क होती है. सो इस पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हो कंप्यूटर के मैग्नेटिक डिस्क, सेम प्रिंसिपल यूज होता है. नाउ कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है वो ऐसी दिखाई देती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी बीच में एक सर्कुलर डिस्क बनी हुई है ये ग्रे कलर की. दिस इज योर मैग्नेटिक डिस्क. ओके, नाउ आप अगर इस डिस्क को ध्यान से देखो तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन बना हुआ है. दिस इज योर डिस्क आर्म. ये ही रीड राइट के लिए यूज होता है, दिस आर्म, ARM. ओके, सो मैग्नेटिक डिस्क इज अ फ्लैट डिस्क, बिल्कुल फ्लैट होती है. इट इज कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड इंफॉर्मेशन. बिकॉज इट इज मैग्नेटिक डिस्क इसलिए इस पे मैग्नेटिक कोटिंग होती है. दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम, क्योंकि रैम आपकी मेन मेमोरी डिवाइस है, ऑफकोर्स वो महंगी होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी. सो मैग्नेटिक डिस्क क्योंकि आपकी सेकेंडरी डिवाइस है, इट इज लेस एक्सपेंसिव. नाउ आपको एक चीज याद रखनी है, मैग्नेटिक डिस्क आपकी रैम से तो सस्ती है बट मैग्नेटिक टेप जो अभी हम करके आए हैं उससे महंगी होती है ये. नेक्स्ट इज इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि हमारी सेकेंडरी डिवाइस है. बट डेटा एक्सेस रेट इज लोअर देन मेन मेमोरी. वो हमने हायरार्की में भी किया है कि जो लास्ट में हायरार्की में आती है डिवाइसेस, जो आपकी सेकेंडरी डिवाइस है, उनका एक्सेस रेट स्लो होता है. नाउ अगेन एक जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपकी मेन मेमोरी के कंपैरिजन में तो स्लो है बट आपके मैग्नेटिक टेप से ये फास्टर है. सो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, दिस इज योर मेन मेमोरी, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है वो मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में पहले आएगी हायरार्की में, बिकॉज मैग्नेटिक डिस्क इज फास्टर एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप, प्लस इट इज कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप. ये आपके लिए याद करने के लिए इजी रहेगा. अगेन इसके अंदर आप डेटा को बहुत इजिली मॉडिफाई कर सकते हो. डेटा कैन बी मॉडिफाइड और कैन बी डिलीटेड इजिली. इसमें भी आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होगा क्योंकि सेकेंडरी डिवाइस है. नाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ द डिस्क. जो आपकी सर्कुलर डिस्क है इसके दोनों साइड पे ऊपर और नीचे डेटा स्टोर कर सकते हैं. दिस इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस. डायरेक्टली आप किसी भी मेमोरी सेल पे जा सकते हो.
क्योंकि उसी के अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी डिस्क होती है उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जिसमें सेंटर आपका सेम रहता है, सिर्फ रेडियस या डायमीटर डिफरेंट होता है. दिस आर योर कंसेंट्रिक सर्कल्स. सो इट्स डिस्क के ऊपर बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं. उन सर्कल्स को हम बोलते हैं ट्रैक. दिस इज योर ट्रैक वन, ट्रैक टू, ऐसे बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं और उन्हीं ट्रैक के ऊपर आपका डेटा स्टोर करते हैं हम. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या क्या है. दीज आर इकोनॉमिकल मेमोरी बिकॉज मेन मेमोरी से सस्ती है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी डेटा को, इसलिए ये फास्ट भी होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं बिकॉज दीज आर सेकेंडरी मेमोरी एंड इट हैज बेटर ट्रांसफर रेट देन मैग्नेटिक टेप. ये भी हम इंट्रोडक्शन में भी कवर कर चुके हैं. इट इज लेस प्रोन टू करप्शन ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू टेप. मतलब इसमें आपके डेटा सिक्योरिटी ज्यादा है, करप्ट होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप. रीयूजेबल, आप बार बार इसमें डेटा को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीड कर सकते हो डेटा को बार बार. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम. ये अच्छी बात है, बट दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन मैग्नेटिक टेप. अभी हमने क्या था, मैग्नेटिक टेप के कंपेरिजन में ज्यादा महंगी है. अगेन जैसे मैग्नेटिक टेप को स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क को भी स्टोर कर सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको कहाँ स्टोर करने हैं. इट शुड बी क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरमेंट. अगर डस्ट होगी, गंदा होगा, तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा, आपकी डिस्क खराब हो जाएगी. नाउ दीज आर लेस पोर्टेबल एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप. And last one is these are not suitable for sequential access because वो direct access devices हैं. Okay, so ये थे magnetic disk, उसके advantages and disadvantages. Now magnetic disk के further categories हैं. These are your floppy disk, hard disk and your zip disk. इनको हम one by one सबको brief में cover करेंगे. First is your floppy disk. ना फ्लोपी डिस्क आपकी ऐसी दिखाई देती है कि ऊपर से एक केस बना हुआ, प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, अंदर से वो डिस्क की शेप में ही होती है, सर्कुलर होती है. नाउ अगेन फ्लोपी डिस्क में भी आपके मैग्नेटिक कोटिंग होती है. देखो क्यों होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आती है. सो मैग्नेटिक डिस्क में मैग्नेटिक कोटिंग है, इसलिए उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी है, वेदर यूर फ्लोपी डिस्क, जिप डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, सब में मैग्नेटिक कोटिंग होती है. नेक्स्ट इज इट इज पैकेज्ड इनसाइड अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक एनवलप. ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक एनवलप है. ये डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि डिस्क आपकी खराब ना हो. नेक्स्ट वन इज दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज. शुरू में जो हमारी पोर्टेबल डिवाइसेज आई थी, जिसको आप बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, उसमें आपकी फ्लोपी डिस्क थी, बहुत पहले यूज होती थी. और इसके अंदर आप 1.44 एमबी डेटा स्टोर कर सकते हो. नाउ देखो, शुरू में जब फ्लोपी डिस्क आई थी, उस टाइम 1.44 एमबी काफी ज्यादा डेटा होता था, बट राइट नाउ 1.44 एमबी हमारे लिए बहुत कम स्पेस है. मतलब एक सिंगल फाइल हमारी 12 टू 15 एमबी सिंपल सी फाइल हो जाती है. सो 1.44 एमबी बहुत कम है अब के टाइम के अकॉर्डिंग. जिस टाइम फ्लोपी डिस्क आई थी, उस टाइम बहुत ज्यादा स्पेस होता था. इट इज चीपर देन एनी अदर स्टोरेज डिवाइस. क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा डेटा स्टोर करना, थोड़ा सा स्पेस होता था, तो वो बहुत सस्ती होती थी. एंड पोर्टेबल तो है ही, आपको इमेज में देख के भी पता चल रहा है, आप अपने पॉकेट में लेके बहुत आराम से जा सकते हो. बट क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, आजकल ये यूज नहीं होती है, क्योंकि आजकल हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है. सो फ्लॉपी डिस्क आजकल हम यूज नहीं करते हैं. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें आप 1.44 एमबी डेटा स्टोर कर सकते थे. नेक्स्ट इज योर जिप डिस्क. नाउ कैसे दिखाई देती है, ये आप इमेज से देख सकते हो. फर्स्ट इमेज है आपके जिप डिस्क कैसे दिखाई देती है.
नाउ जिप डिस्क को रीड करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें अलग से एक हार्डवेयर यूज करना पड़ता है, दैट हार्डवेयर इज जिप ड्राइव। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो एक जिप ड्राइव बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर एक जिप डिस्क डाली हुई है। ओके, नाउ व्हाट इज जिप डिस्क? इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। जैसे फ्लॉपी डिस्क होती थी वैसे ही होती थी, द ओनली डिफरेंस इज इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। नाउ किसने बनाई थी ये? दिस वॉज डेवलप्ड बाय आईओमेगा। ओके, इसको यूज करने के लिए आपको अलग से एक हार्डवेयर की जरूरत है, एक ड्राइव की जरूरत है, दैट ड्राइव इज नोन एज जिप ड्राइव, जो आपको इमेज में भी दिखाई दे रही है सेकेंड इमेज में। दिस इज योर जिप ड्राइव, इसके अंदर आपने जिप डिस्क डाली हुई है। नेक्स्ट इज, अब ओके इम्पोर्टेंट क्या है? नाउ देखो, अभी हमने बात की थी कि ये एडवांस्ड वर्जन है फ्लॉपी डिस्क का, सो डिफरेंस क्या है स्टोरेज कैपेसिटी में? फ्लॉपी डिस्क में आप 1.44 एमबी डेटा डाल सकते हो एक फ्लॉपी डिस्क में, इसमें एक जिप डिस्क में आप 100 एमबी से लेके 250 एमबी तक डेटा डाल सकते हो। ना 1.44 के कंपैरिजन में 100 एंड 250 एमबी काफी ज्यादा है। ओके, सो ये उसका एडवांस वर्जन था जिसमें आप ज्यादा डेटा डाल सकते हो। नाउ अगेन, 100 एमबी और 250 एमबी आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी छोटी छोटी फाइल भी इससे ज्यादा की होती है। सो अगेन, अब आजकल हम इनको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे बेटर हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस आ गए। आजकल पेन ड्राइव भी हमारी जीबी में आती है, 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, राइट? सो ये एमबी में जो हमारी जिप डिस्क है वो यूज नहीं होती है आजकल। नेक्स्ट इज योर हार्ड डिस्क। नाउ हार्ड डिस्क कैसे दिखाई देती है? हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें देखो बहुत सारी डिस्क बनी हुई है, 1, 2, 3 डिस्क लगी हुई है। सो इन हार्ड डिस्क एक से ज्यादा डिस्क लगी होती है, एक के ऊपर एक करके उनका स्टैक बना होता है जिसमें आपका डेटा हम स्टोर करते हैं। नाउ अगेन, इसमें आर्म्स होती है, हियर यू कैन सी दिस इज फर्स्ट आर्म। हार्ड डिस्क के लिए अपनी अलग से एक आर्म बनी हुई होती है। ओके, आप जस्ट इमेजिन दिस, बहुत सारे आपके डिस्क एक के ऊपर एक करके आपने रखे हुए, उनके बीच में स्पेस है थोड़ा थोड़ा, और जितने भी डिस्क है सबको एक्सेस करने के लिए एक आपने ट्रायंगुलर आर्म लगा रखी है। सो अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर। इसमें जितने भी डिस्क है सबको हम बोलते हैं प्लेटर, विच आर माउंटेड ऑन अ कॉमन स्पिंडल। नाउ व्हाट इज स्पिंडल? जो सेंटर में इनको होल्ड कर रखा है जिसने सारे डिस्क को, उनको हम बोलते हैं स्पिंडल। नाउ ईच सरफेस ऑफ अ प्लेटर इज कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारे मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट है, सो इसमें भी हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ सरफेसेस ऑफ ईच डिस्क आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम डिस्क वेयर ओनली द इनर सरफेस इज यूज। दैट मीन्स, नाउ मान लो आपकी हार्ड डिस्क में हमने बहुत सारी डिस्क लगा रखी है, से 5 डिस्क आपने लगा रखी है, उन 5 डिस्क में से जो सबसे टॉप पे है और जो सबसे बॉटम पे है, उन दोनों को छोड़ के बीच में जितनी भी डिस्क है उनमें आप दोनों साइड डेटा स्टोर कर सकते हो, बट जो टॉप और बॉटम पे है उसमें आप सिर्फ वन साइड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और वो भी आपकी इनर साइड होगी। ठीक है, ऊपर की साइड जो बाहर की साइड है वहां आप डेटा स्टोर नहीं करते हो। नाउ जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको हम रीड कैसे करते हैं? यूजिंग रीड राइट हेड। जो ये आर्म बनी हुई है इसके सबसे आगे एक हेड बना हुआ होता है, उसके थ्रू हम इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। अगर आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखें, जितनी भी डिस्क बनी हुई है सबके ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। ये हमने मैग्नेटिक डिस्क के स्टार्टिंग में भी किया था, मैग्नेटिक डिस्क में आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, और हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है तो इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं।
These heads are joined to common arm known as excess arm. ये आपकी आर्म है, दिस इज योर एक्सेस आर्म, जो ट्रायंगुलर पोर्शन बना हुआ है. इस ट्रायंगुलर पोर्शन के आगे आगे एक हेड लगा होता है, उसके थ्रू हम डिट्रैक्ट ऑपरेशन करते हैं. सो ये थी आपकी हार्ड डिस्क. सो मैग्नेटिक डिस्क में आपकी तीन चीजें आती हैं, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड हार्ड डिस्क. ओके, सो अब आपका मैग्नेटिक डिस्क भी पूरा कवर हो गया है, तीनों पोर्शन हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट इज योर ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर हम फर्दर थ्री डिवाइसेस करेंगे, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क. नाउ आप सबने ऐसी सीडी देखी होगी, राइट? हम सब लोग यूज भी करते हैं सीडी को, उसको हम बोलते हैं या उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क. सो वी कैन से दैट इन ऑप्टिकल डिस्क देयर इज अ रोटेटिंग डिस्क. दिस इज अ पिक्चर ऑफ सीडी. जब आप उसको सीडी प्लेयर में डालोगे वो रोटेट होती है और उसी से हमें हमारा डेटा डिस्प्ले होता है, डेटा रीड राइट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अभी तक हमने मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क की बात की है, जिसके अंदर मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की कोटिंग होती थी. बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क एक थिन लेयर होती है मेटल की, वो मेटल कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर. वो एक्ट करता है एज रिफ्लेक्टिव सरफेस. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो मैग्नेटाइजेबल मटेरियल नहीं होता है ऑप्टिकल डिस्क में, एक थिन लेयर ऑफ मेटल होती है जो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह वर्क करती है. नाउ इसमें हम लेजर बीम यूज करते हैं रीड राइट ऑपरेशन के लिए. वी यूज लेजर बीम टेक्नोलॉजी रादर देन मैग्नेटाइजेबल सरफेस. Now, unlike magnetic disk, which has many concentric layers, optical disk consists of single long track. Now, what does it mean? हमने क्या था magnetic disk के केस में, उसमें concentric circles होते हैं. ये मैंने आपको picture के थ्रू भी दिखाया था, right? Now, ये pattern होता है आपका magnetic disk के केस में. Now, optical disk में कैसा बना होता है? एक single track होता है spiral shape में. It is like this. हम सब ने कछुआ छाप देखी हुई है बचपन में, अभी भी यूज करते हैं हम, वैसे बनी होती है स्पाइरल. सेम पैटर्न हमारा ऑप्टिकल डिस्क का होता है. सो ये डिफरेंस है आपका मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में. मैग्नेटिक डिस्क में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है, उनको हम ट्रैक बोलते हैं. इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क देयर इज अ सिंगल ट्रैक, स्पाइरल फॉर्म में पूरा एक सिंगल ट्रैक होता है. ओके, नाउ ऑप्टिकल डिस्क में थ्री कैटेगरीज है. वन इज योर सीडी, सेकेंड इज योर डीवीडी एंड लास्ट वन इज ब्लू रे डिस्क. इनको हम ब्रीफ में लर्न करेंगे कि व्हाट इज सीडी, व्हाट इज डीवीडी. सबसे पहले देखते हैं सीडी. नाउ सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क. पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है सीडी, हम सब ने रियल लाइफ में भी देखी हुई है, अपना डेटा भी स्टोर किया हुआ है सीडी पे. मूवीज के लिए भी हम सीडीज लेके आते हैं, राइट? मूवीज जिसमें स्टोर्ड आती है मार्केट से. So CD stands for compact disc. CD are circular disc. Okay, ये हमें पिक्चर से भी पता चल रहा है सर्कुलर डिस्क है. That use optical rays, usually laser. क्योंकि CD को हमने ऑप्टिकल डिस्क में कैटेगराइज किया हुआ है, तो जो ऑप्टिकल डिस्क में टेक्नोलॉजी यूज होती है वही टेक्नोलॉजी आपके CD में यूज होती है. So it uses lasers to read and write data. Now देखो CD कैसी बनी होती है. जो आपकी हार्डवेयर है, जो आप खरीदते हो मार्केट से, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है. सबसे नीचे एक लेयर होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की. जो साइड अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है पिक्चर की, जो पीछे वाली साइड है, बैक साइड है, वहां सबसे पहले होता है आपका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक. उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम की, एंड उसके ऊपर एक एक्राइलिक लेयर होती है फॉर प्रोटेक्शन, कि आपकी सीडी बहुत इजिली खराब ना हो, प्रोटेक्शन के लिए एक एक्राइलिक लेयर होती है. सो ये थ्री लेयर्स होती है एक सीडी के अंदर. बहुत सस्ती आती है, महंगी नहीं आती है, इसलिए हम बहुत इजिली इनको बाय करते हैं, यूज करते हैं. ना सबसे इम्पोर्टेंट है कितना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा. ना फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB था, उसके कंपेरिजन में सीडी में काफी डेटा आता है, 700 MB कम नहीं होता. इसलिए जब भी हमें कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं तो हम सीडी के ऊपर अपना डेटा राइट करके देते हैं, राइट? सो इट कैन स्टोर अप टू 700 MB. नाउ सीडीज को यूज करने के लिए सीडी ड्राइव होती है. अगर आपने लैपटॉप में भी देखा हो साइड में होती है, या फिर अगर आपका डेस्कटॉप है
तो जो आपका सीपीयू कैबिनेट है उसमें एक ड्राइव लगी होती है, आप बटन प्रेस करते हो वो बाहर निकलती है, उसमें आप सीडी इंसर्ट करते हो. ओके, नाउ दीज आर पोर्टेबल. यस, देखने से पता चल रहा है हम इनको बहुत इजिली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीडी. सीडीज की भी फर्दर टाइप्स है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ सीडी. देर आर थ्री टाइप्स. वन इज योर सीडी रोम, इट्स फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट वन इज योर सीडी आर, इट्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. एंड लास्ट वन इज सीडी आर डब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल. वन बाय वन देखते हैं. जो फर्स्ट है आपकी सीडी रोम, रोम नाम से पता चल रहा है, ओके यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, आप उस पर राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि रोम है वो. सीडी रोम में आपका मैन्युफैक्चर रिकॉर्डेड आती है वो सीडी, आप उसमें अपना डेटा नहीं डाल सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से मूवी की सीडी लेके आते हो, वो जब जिस टाइम मैन्युफैक्चर हुई है उसी टाइम उसमें मूवी डाल दी, अब आप उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते. या फिर सॉफ्टवेयर की सीडीज आती हैं, अगर आपको ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी सीडी आती है, अगेन यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, यू कैन ओनली रीड दैट डेटा. ओके, सो ये था सीडी रोम. नेक्स्ट इज योर सीडी आर. सीडी आर का मतलब है आप एक बार उसमें डेटा डाल सकते हो. आपने मार्केट से खरीदी, एक बार उसमें डेटा डाला, नाउ एक बार डेटा डालने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं जब भी उन्हें अपने कॉलेज में असाइनमेंट देना है, प्रोजेक्ट्स देने हैं, तो वो सीडी आर सीडी खरीदते हैं और उसमें अपना डेटा डाला, नाउ नोबडी कैन मॉडिफाई इट, कोई उसको कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता. लास्ट वन इज योर सीडी आर डब्ल्यू. आर डब्ल्यू मीन्स री राइटेबल, उसमें आप बार बार डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बार बार मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, सो बहुत बेसिक डिफरेंस है तीनों में. सो नेक्स्ट टाइम आप जब मार्केट में जाओगे, आपको पता है आपको कौन सी सीडी खरीदनी है, वो आपकी यूज पर डिपेंड करती है. अगर आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, यू वॉन्ट कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट मॉडिफाई ना कर सके, यू विल गो फॉर सीडी आर. जब आप मार्केट से सीडीज खरीदते हो जिसमें प्री रिकॉर्डेड आपको मटेरियल मिलता है, वो होती है आपकी सीडी रोम. एंड लास्ट वन इज योर सीडी आर डब्ल्यू, जो आप चाह रहे हो अपने यूज के लिए कि बार बार उसमें डेटा डाला, चेंज किया, मॉडिफाई किया, जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हो, तो उस केस में यू विल बाय सीडी आर डब्ल्यू. ओके, सिंपल है. नेक्स्ट इज योर डीवीडी. नाउ डीवीडी सीडी जैसी दिखाई देती है, सेम टेक्नोलॉजी होती है, डिफरेंस होता है कितना साइज का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो. और आपने डीवीडी प्लेयर होते हैं डीवीडीज को प्ले करने के लिए, डीवीडी प्लेयर भी आपने देखा होगा, बहुत लोगों के घर में भी होता है डीवीडी प्लेयर जिसमें मूवी सॉन्ग्स हम सब सुनते हैं. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी. डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले. बिल्कुल सीडी जैसे दिखाई देती है, इट लुक्स जस्ट लाइक अ सीडी एंड यूज सिमिलर टेक्नोलॉजी. देखने से पता चल रहा है ओके, राउंड शेप में है, डिस्क की शेप में है, सेम है, बस उसमें डिपेंड करता है, बस उसमें चेंज किया है कितना डेटा वो स्टोर कर सकती है. नाउ डीवीडी कैन स्टोर 15 टाइम्स मोर डेटा देन सीडी. इट कैन होल्ड 4.7 जीबी टू 17 जीबी डेटा. नाउ सीडी में 1 जीबी भी आप पूरा नहीं डाल सकते, बट इन दिस केस आप अप टू 17 जीबी डेटा डाल सकते हो. बहुत ज्यादा डेटा होता है 17 जीबी. नाउ इसमें इतनी हाई डेटा हम क्यों डाल सकते हैं? सी, अभी मैंने आपको बोला कि सेम टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, वैसी दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हम डेटा डिस्क के दोनों साइड स्टोर कर सकते हैं, नॉट जस्ट ऑन सिंगल साइड. यू कैन स्टोर डेटा ऑन बोथ साइड बाय यूजिंग डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी. डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि बहुत लार्ज फाइल है, उसको कंप्रेस करके आपने छोटी कर दी. जैसे आपने जिप फाइल भी सुनी होगी, राइट? यूज कहाँ करते हैं हम डीवीडी को? मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर करने के लिए, मूवीज को स्टोर करने के लिए वी यूज डीवीडी फाइल्स. नाउ अगेन, डीवीडी की भी थ्री टाइप्स है, डीवीडी रीड ओनली, डीवीडी रिकॉर्डेबल, डीवीडी री राइटेबल. सेम है, सेम डिफरेंस है तीनों में, जैसे हमारे सीडी में था. एक में मैन्युफैक्चर की साइड से बन के आती है, उसमें आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते. रिकॉर्डेबल में आप एक बार डेटा डाल सकते हो, री राइटेबल में बार बार डाल सकते हो.
नाउ लास्ट इज योर ब्लू रेड डिस्क. ब्लू कलर की दिखाई दे रही है. यस दिस इज योर ब्लू रेड डिस्क. जनरली जब आप ये मार्केट से खरीदते हो तो उस पर लिखा आता है BDR, ब्लू डिस्क रे. दिस इज द लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया टू स्टोर हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो. आजकल HD का कॉन्सेप्ट आ गया है. TVs भी हमारे HD में आ गए हैं. मूवीज सब HD में देखते हैं हम लोग. सो HD जो मूवीज हैं उनको बहुत स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए, ऑडियो वीडियो दोनों को. दैट इज वाई वी यूज ब्लू रे डिस्क. बिल्कुल CD और DVD जैसी होती है. ओनली डिफरेंस इज कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं. इट कैन स्टोर 128 GB ऑफ डेटा. ओके नाउ एक और डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है, CD या DVD में हम यूज करते हैं रेड लेजर बीम, बट इन केस ऑफ ब्लू रेड डिस्क वी यूज ब्लू लेजर टू रीड एंड राइट इट. ओके इसीलिए इसका नाम ब्लू रेड डिस्क है, बिकॉज वी यूज ब्लू लेजर इन दिस डिस्क. सो दैट वॉज ब्लू रेड डिस्क. सो हमारी सारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है. ब्रीफ ओवरव्यू, हमने सारी डिस्क सारी मेमोरी टाइप्स का ले लिया है. सो सेकेंडरी मेमोरी में हमने क्या क्या किया है? सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस. सिक्वेंशियल में हमने किया मैग्नेटिक टेप, जिसमें आपका प्लास्टिक रिबन होता था, जो आपने बचपन में कैसेट्स देखी हुई है गानों की, जो आपकी मूवी की टेप्स होती है वो आपकी मैग्नेटिक टेप है. मैग्नेटिक डिस्क, जो डिस्क सर्कुलर शेप में है, जो ग्रामोफोन में हम यूज करते हैं उसे आपको याद रहेगी. मैग्नेटिक डिस्क के आपके 3 कैटेगरी है, फ्लोपी डिस्क, जिप डिस्क. ये दोनों आजकल यूज नहीं होती है क्योंकि इनमें बहुत कम डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क है जो हम यूज करते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते थे, एक के ऊपर एक बहुत सारी डिस्क हम रखते हैं. राइट सो वो थी आपकी हार्ड डिस्क. नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर हम लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ऑप्टिकल डिस्क में हमने 3 चीजें की हैं, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क. सो ये आपका मेन कैटेगराइजेशन है सेकेंडरी मेमोरी का. नाउ आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आपके लिए क्विज है, देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यू कैन वेरी इजिली आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज बेसिकली, ऑप्शंस आर वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बैकअप मेमोरी, इम्पैक्ट मेमोरी. सिंपल कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप इज अ टाइप ऑफ डैश एक्सेस डिवाइस, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट एक्सेस, स्टेप, इनडायरेक्ट. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, इज दिस ट्रू और फॉल्स? द डिस्क सरफेस इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड. जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर ड्राइव, ट्रैक्स, स्लिट्स, रेफरेंसेस. अ डैश डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क विच इज कोटेड विद अ थिन मेटल और सम अदर मटीरियल दैट इज हाईली रिफ्लेक्टिव. ये आज ही किया ये कॉन्सेप्ट हमने. ऑप्शन आर मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कॉम्पैक्ट, हार्ड. ऑप्टिकल डिस्क आर प्रूव्ड टू बी अ प्रोमिसिंग रैंडम एक्सेस मीडियम फॉर हाई कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज. इज दिस ट्रू और फॉल्स? द टेक्नोलॉजी यूज इन ऑप्टिकल डिस्क इज डैश. Is it reflective, refractive? Which of the following is not a type of optical disc? Options are DVD, CD, Blu-ray disc, Winchester. And this is the last question. Which of the following correctly represents the track pattern of an optical disc? Now, ye 4 patterns diye hue hain. Aapko batana optical disc ka pattern inme se kaun sa. So, ye aapke liye kuch questions the. Bahut easy question hai. एंड ट्राई करें खुद से सॉल्व करने की. एंड यू कैन फाइंड आंसर्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम.